गोरखपुर जिले से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान सामने आया। बता दें कि सीएम योगी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण असंवैधानिक है और बाबा साहेब अंबेडकर ने भी भारत की संविधान सभा में इसका विरोध किया था। और इन सब के बावजूद भी कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन के लोगों में मुस्लिम आरक्षण देने की एक होड़ सी लगी है। इसके आगे सीएम योगी ने कहा कि 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का प्रयास किया था। ऐसे ही कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने वहां के ओबीसी आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। इसके तहत ही कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने भी मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेध लगाया है। इसी क्रम में सीएम योगी ने कहा कि भाजपा एससी एसटी और ओबीसी आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का। और कांग्रेस का इतिहास तो इस मामले में बहुत दागी रहा है। 2006 में जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी गठित करके कांग्रेस ने ओबीसी का हिस्सा काट करके मुस्लिमों को देने का कुत्सित प्रयास किया था, जब यूपीए गवर्नमेंट थी। ऐसे ही कांग्रेस ने जस्टिस राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में कमेटी बना करके अनुसूचित जाति के आरक्षण में सेंध लगाने का प्रयास किया था, कुछ मुस्लिम जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का कुत्सित प्रयास किया था। बीजेपी और एनडीए ने उसका विरोध किया था। कांग्रेस की जब आंध्र प्रदेश में सरकार थी, उन्होंने उस वहां के ओबीसी के आरक्षण को मुसलमानों को दिया था। कांग्रेस की कर्नाटक सरकार ने मुसलमानों की सभी जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण में सेंध लगाया है। भारतीय जनता पार्टी एससी एसटी और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है, और दूसरा मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक भी है, और अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए एक चुनौती